फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीएससीबी बोर्ड क्लास 10th जियोग्राफी भूगोल का लेसन 4 का बीबीए ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। हमें एनसीईआरटी बुक में लेसन 4 जियोग्राफी में पढ़ना है परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो परिवहन, संचार एवं व्यापार से रिलेटेड उन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा जो हमेशा परीक्षा में पूछते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। देखिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, नागपुर सड़क योजना जो बना था उसके अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया था। पहला ऑप्शन 4, अगला है 6, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है 2 और अंतिम ऑप्शन है 5। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था, इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियां तथा देरी को दर्शाता है। पहला है रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन और तीसरा है जल परिवहन। तो पाइपलाइन जो है हानियां और देरी को घटाता है। ठीक है, 2 का ग ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे आपके सामने जो क्वेश्चन से लिखा है कि इनमें से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। राज्य का नाम बताना है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, अगला ऑप्शन है महाराष्ट्र, अगला है गुजरात और अंतिम ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र जो है राज्य वो हजीरा विजयपुर से नहीं जुड़ा हुआ है, 3 का बी ऑप्शन सही है। अगला, इनमें से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है ना, परिवहन का सबसे प्रमुख साधन है पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो भारत में सड़क परिवहन से ज़्यादा व्यापार होता है, चाहे कोई भी काम होता है, इसलिए 4 का गो ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है ना, इंडियन जो एयरलाइंस था उसका इंडियन कब नाम दिया गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके सामने, डेट है। पहला है 2006 ईस्वी, 2003, 2008 और 2005। तो इंडियन एयरलाइंस को इंडियन जो नाम था वो 2005 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, 1986 में, 1988 में, 1985 में, 1989 में। तो अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का जो गठन हुआ था 1986 ईस्वी में हुआ था, 6 का क सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है। बहुत बार, 3 बार आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, एन्नौर पतन किस राज्य में, बताना है गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो एन्नौर पतन जो है, एन्नौर बंदरगाह, पतन का मतलब बंदरगाह होता है। ठीक है, वो तमिलनाडु में है, 7 का ग ऑप्शन सही है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन से, 7, 6, 5, 8, तो 8 होगा। क्योंकि आप लोग दोस्तों बता देते हैं, जैसे कहीं का भी अगर आप पिन कोड देखेंगे तो 8 से शुरू होता है ना, किसी भी जगह का पिन कोड 8। तो इस 8 आने का कारण है कि भारत को 8 डाक के क्षेत्रों में बांटा गया है, कुल भारत को 8 डाक क्षेत्रों में, इसी 8 सूचित करता है कि 8 भागों में, आपको याद करने की ये ट्रिक हो गया। ठीक है, तो इसका घ ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन से, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं विकसित है ना, 10 या 7 या 15 या 5। तो हमारे देश में आर्थिक जो क्षेत्र हैं रुपया पैसा कमाने का, वो 15 भागों में बटा हुआ है, 9 का ग। अगला है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो 15 गो आर्थिक क्षेत्र था उसमें से एक का नाम है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, वो किस जगह पर, बताना है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, 10 का ख। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। पहला है पूरब पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग और नन। तो ये इसमें स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, कोई भी त्रिभुज जैसा जो होता है और रोड सड़क नहीं होता है त्रिभुज की तरह, इसलिए 11 का ग ऑप्शन सही है ना। अगला है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है ना, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पक्की सड़कें ज़्यादा है, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में कि केरल में। तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे सड़क जो है पक्की ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, 12 का ख सही है। अगला है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है ना, पहला आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। आंतरिक व्यापार में तो सिर्फ आपके अंदर में ही व्यापार होता है एक क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में। बाहरी व्यापार मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक ही सीमित है। स्थानीय बाजार मतलब गांव के लोग जाए इसमें बाजार करते हैं। अब ये 3 ऑप्शन तो गलत हो गया, अब आपके सामने बचा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में है ना, यानी कि एक देश से दूसरे देश। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि 2 देशों को जोड़ता है,
तो इसलिए ये ऑप्शन खास सही है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस बताया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। आपके पास अगर टेलीग्राम ऐप नहीं चलाते हैं तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को लोड कर लीजिए और उस लोड करने के बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर और जो चीज़ मांगेगा उसका पूरा डाटा क्लियर करने के बाद मस्त क्लासेस सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा और उसमें आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा क्योंकि उसमें ऑल सब्जेक्ट्स का आपको PDF मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी संपूर्ण तैयारी को घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अगर थैंक्स, फिर मिलेंगे।